अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद मजेदार फर्नीचर की इन्फॉर्मेशन लेकर, जो कि वाकई में ही आपका काफी नॉलेज बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, द सीक्रेट टेबल। यहाँ ये शख्स इस टेबल के पहले ड्रॉअर को बाहर खींचता है और इसके नीचे से एक और छोटा ड्रॉअर भी निकल आता है। इसके बाद ये एक और दराज को खोलता है और इसके अंदर एक मकनातीस लगा होता है, तो इसमें एक और दराज बाहर निकल आती है जिसके अंदर आप अपनी कोई भी कीमती चीज रख सकते हैं। नंबर 2, WOM स्मार्ट फर्नीचर। दोस्तों कई लोग अपने घर के अंदर दीवार पर दीवार ग्रिल नहीं लगवाते, तो उन लोगों को शायद ये फर्नीचर काफी पसंद आने वाला है। नंबर 3, रूम पार्टिशनर। यहाँ ये शख्स एक बड़े कमरे को दो कमरों में तब्दील कर रहा है, जिसके लिए छत से लगे इन बड़े बड़े ब्लॉक्स को खींच कर लाता है और एक के आगे एक फिक्स करता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ एक पूरी दीवार बन जाती है, और वो भी दरवाजे के साथ। नंबर 4, किचन टॉप डाइनिंग टेबल। यहाँ ये औरत एक शेल्फ को दिखा रही है, जिसके बाद इसके नीचे से खाना बनाने के लिए एक चूल्हा दिखाई देता है और ये शेल्फ आगे जाकर एक डाइनिंग टेबल में बदल जाती है। नंबर 5, एड जिगिन। चटाई जैसी इस चीज को खोलने के बाद ये शख्स इसके पिछले वाले हिस्से को एक पतली रस्सी की मदद से बांध देता है, जिसके बाद एक अजीबोगरीब कुर्सी बनकर तैयार हो जाती है, जहां ये शख्स इस पर बैठकर अपना पूरा वजन इस पर डाल देता है और कुर्सी को कुछ भी नहीं होता। नंबर 6, मॉडर्न प्रोडक्ट 1। लैपटॉप पर काम करने के बाद ये शख्स इसको इस टेबल के नीचे रख देता है। इसके बाद जब ये शख्स इस टेबल को धक्का देता है तो ये अपने आप अंदर फोल्ड होकर एक छोटे टेबल की शक्ल में बन जाती है। नंबर 7, vitaly.com official। यहाँ ये शख्स इस अलमारी के दरवाजे को खोलता है और इसके अंदर एक और दरवाजा खुलते ही इसकी दूसरी तरफ एक बड़ा कमरा नजर आने लगता है, जो कि एक हिडन रूम है जिसका सिर्फ इसी शख्स को पता है और सिर्फ यही इसके अंदर जा सकता है। नंबर 8, क्लोसेट बूम जियो सिमकिंस। दोस्तों कौन कहता है कि कपड़े सिर्फ बड़े अलमारियों में ही रखे जा सकते हैं। यहाँ इस शख्स ने एक ऐसी अलमारी बनाई है जिसे खास तौर पर कम जगह वाले घरों के लिए बनाया गया है। इस अलमारी की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर कपड़ों को फोल्ड करके नहीं, अलमारी के अंदर आप हैंगर में लटका कर रख सकते हैं। नंबर 9, अप इन स्टोन। यहाँ ये शख्स इस दीवार के पास जाता है और इसे धक्का देता है। दीवार में एक दरवाजा खुलता है और शख्स अंदर चला जाता है। इस तरह के शानदार दरवाजे बनाने में ये कंपनी माहिर है, जो आपको महसूस ही नहीं होने देती कि दीवार में कोई दरवाजा मौजूद है। नंबर 10, नैरो स्टेयरकेस। इस छोटी जगह में सीढ़ी जैसा दिख रहा ये ढांचा दरअसल एक सीढ़ी ही है, जिसे खास तौर पर तंग जगहों के लिए ही बनाया गया है, जिस पर एक बार में एक शख्स आराम से ऊपर चढ़कर जा सकता है। नंबर 11, स्टेयर्स एलईडी लाइटिंग। दोस्तों यह है एक खास सीढ़ियां जिसमें एलईडी लाइट फिट होने की वजह से आपके इन पर चलने पर जल पड़ती हैं और आपके चले जाने पर अपने आप ही बुझ जाती हैं। नंबर 12, मर्सिनेरिया हॉल डिजाइन। इस शख्स के इस स्विच के अंदर चाबी डालते ही इसे खोल देता है, जिसके अंदर एक छोटी तिजोरी दिखाई देती है, जिसे ये शख्स चाबी डालकर खोल देता है, जिसके अंदर आप अपना कीमती सामान रख सकते हैं। नंबर 13, नेक्सस 21। एक बटन दबाते ही किचन की शेल्फ के अंदर टीवी बाहर निकलने लगता है। कई लोग खाना बनाते हुए अपनी बोरियत को दूर करने के लिए किचन में टीवी लगाते हैं। इस किचन में सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि एक कॉफी मशीन को भी छुपा कर रखा गया है और साथ में दूसरे मिक्सर मशीनें जैसी चीजों को भी इसमें छुपा रखा है, ताकि इनकी जरूरत पड़ने पर बटन दबाकर इन्हें बाहर निकाला जा सके। नंबर 14, रिपा वुडवर्क। दोस्तों इस अलमारी की पहली दराज को खोलते ही इसके नीचे से एक और दराज बाहर निकल आती है और जब इसके ऊपर की दराज को खोलते हैं तो इसकी साइड से एक और दराज बाहर निकल आती है। इसके अलावा इसके ऊपर वाले हिस्से में भी कई सारी हिडन दराजे होती हैं, जहां आप अपना कीमती सामान आसानी से रख सकते हैं। नंबर 15, मर्फी डोर। ये शख्स घर के अंदर घुसते ही अलमारी के नीचे एक बटन को दबाता है तो ये पूरी अलमारी एक दरवाजे की शक्ल में खुलती है और इसके पीछे एक स्टोर दिखाई देने लगता है, जहाँ इस शख्स ने अपने हथियार रखे हुए हैं। इस तरह के हिडन डोर्स को कई लोग लगाते हैं, जहाँ लोग हथियार के अलावा इसे अपने बार्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर जाने का रास्ता सिर्फ घर के मालिक को ही पता होता है। नंबर 16, मिलानो स्मार्ट लिविंग। यहाँ सोफे पर बैठी टीवी देख रही ये लड़की उठती है और टीवी को बंद करके इसके रिमोट को अलमारी के अंदर रख देती है। इसके बाद इस पूरे टीवी यूनिट को एक तरफ से पकड़कर घुमा देती है, जिससे टीवी दीवार की तरफ छुप जाता है। इसके बाद ये लड़की इस हैंडल को खींचती है तो एक अच्छा खासा बड़ा बेड खुल जाता है, जिसके खुलने पर ये बेड दो लोगों के सोने के लिए तैयार हो जाता है।
नंबर 17 और सिस्टम्स एक्सक्लूसिव गैराज डोर्स। ये हिडन गैराज इस घर के दीवार का एक हिस्सा ही लगता है। पहली नजर में किसी को पता ही नहीं हो सकता कि इसके पीछे एक गैराज भी हो सकता है। इस गैराज के दरवाजे को इस तरह से डिजाइन बनाया गया है कि जब ये बंद होता है तो घर की दीवार की तरह दिखाई देता है, जिसकी वजह से घर की लुक भी अच्छी लगती है। नंबर 18 स्टार्चन स्लाइडिंग बुक केसेस। किताबों को पढ़ने के शौकीनों के पास जब किताबें ज्यादा हों और घर छोटा हो तो उनके लिए ये स्लाइडिंग लाइब्रेरी काफी काम आ सकती है। इसके इस्तेमाल से किताबों को रखना और उठाना काफी आसान हो जाता है। नंबर 19 टीनी एबोर्ड। यहाँ ये शख्स इस घर की लकड़ी के फर्श के अंदर लेटा हुआ है, जिसे इसने एक खास जगह को तूफानी हालात से बचने के लिए बनाया है और साथ में इसका इस्तेमाल घर में घुसने वाले चोरों से बचने के लिए भी किया जा सकता है। नंबर 20 माइक कॉम्बीज। पिछले हिडन फर्नीचर की तरह इस फर्नीचर का इस्तेमाल भी लोग इन्हें सिर्फ जरूरतों के लिए करते हैं, मगर जिस घर का तहखाना बड़ा होता है तो वहाँ लोग इस तरह के रिमोट कंट्रोल वाले दरवाजे को लगाते हैं ताकि जब नीचे नहीं जाना हो तो इस जगह को ढका जा सके और इस जगह को फर्श की शक्ल में इस्तेमाल किया जा सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।